डिफेक्ट्स वाला पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली डिफेक्ट्स को क्लासिफाई करना हम लोगों ने सीख लिया है, डिफेक्ट्स होते क्या हैं, और उसके दो क्लासिफिकेशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक बार अगेन चीज़ों को पहले रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो सॉलिड स्टेट है, या फिर अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप सॉलिड में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अच्छा, और उस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अगर आप मान लेते हैं डिफेक्ट्स वाले टॉपिक को स्टडी कर रहे हो, तो डिफेक्ट्स को हम लोग तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब किस टाइप का डिफेक्ट पाया जाता है, कैसा पाया जाता है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहली कैटेगरी, लेट से हम लोगों ने कहा कि आप लोगों के पास होता है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, मतलब ऐसे सॉलिड्स जिनमें डिफेक्ट पाया तो जा रहा है बट बिफोर डिफेक्ट एंड आफ्टर डिफेक्ट उनकी स्टोकियोमेट्री बराबर मेंटेन है। अब स्टोकियोमेट्री किस चीज़ को कहते हैं, ये ऑलरेडी मोल कंसेप्ट में सीखे हो या फिर लोअर क्लासेस में आप सीखते हैं, बट मैंने नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट जब पढ़ाया था उस वक्त भी सिखाया था। दूसरा होता है तुम लोगों का नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसमें डिफेक्ट के आने से पहले तो स्टोकियोमेट्री बराबर मेंटेन होती है, लेकिन डिफेक्ट आने के बाद जो स्टोकियोमेट्री है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, और उसके बाद कल हम लोगों ने जो एक टॉपिक पढ़ा था दैट इज़ इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो इस तरीके से आपने तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था डिफेक्ट्स को। अब हमने सबसे पहले दिन नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को पढ़ा है, मतलब नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहाँ और कैसे कैसे पाए जाते हैं। तो दो क्लासिफिकेशन किए थे नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के। जो पहला क्लासिफिकेशन था दैट वाज नोन एज आप लोगों का मेटल एक्सेस, ठीक है, और उसके बाद दूसरा नोन आपका था मेटल डिफिशेंसी, मतलब एक केस में मेटल की एक्सेस क्वांटिटी हो गई है और दूसरे केस में मेटल डिफिशेंसी में है। अच्छा, अब अगर मैं मेटल एक्सेस वाले की बात करूँ तो मेटल एक्सेस को अगेन क्रिएट करने के फिर से दो तरीके थे, या तो आप अनायोनिक वैकेंसी मतलब अनायंस को कम कर दो एज कम्पेयर टू व्हाट कैटायंस, तो अपने आप क्या हो जाएंगे, कैटायंस की संख्या बढ़ जाएगी, तो आप अनायोनिक वैकेंसी के थ्रू भी क्या कर सकते हो, आप मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। या फिर दूसरा गया था कि आप एक्स्ट्रा मेटल एटम्स डाल दीजिए। आप देखो एक्स्ट्रा मेटल एटम डालने को बेसिकली हम लोग कहते थे इंटरस्टीशियल डिफेक्ट, इसे हम लोग क्या कहते थे, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। लेकिन अगर आपको कैटायंस ज़्यादा करने, मतलब आपको मेटल ज़्यादा करना है यानी कि बेसिकली आपको कैटायंस ज़्यादा करने हैं, तो इस इंटरस्टीशियल में स्पेलिंग ठीक कर लेना इंटरस्टीशियल की, अगेन दो कैटेगरीज हो जाती थी। पहला, हो सकता है कि आप इंटरस्टीशियल स्पेस में एक एटम डाल रहे हो, एटम की डालने की वजह से कैटायंस की मतलब मेटल्स की संख्या ज़्यादा हो गई, या फिर आप क्या ऐड कर देते हो, कैटायंस ऐड कर देते हो, ये हो गए। सो दिस वॉज द ट्री चार्ट और द फैमिली चार्ट ऑफ नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट। अब उसके बाद आते हैं हम लोग हमारी सेकेंड कैटेगरी में, दैट इज इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, जिसको हम लोगों ने कल पढ़ा। तो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट वॉज वेरी सिंपल, उसमें कुछ भी ऐसा दिमाग लगाने लायक काम नहीं था, बहुत ही प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा टॉपिक था। कल हमने दो कैटेगरीज में इम्प्यूरिटी डिफेक्ट को क्लासिफाई करना सीखा था। सबसे पहला होता है आप लोगों का, मान लेते हैं सब्सटीट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, मान लेते यानी कि आप जिस इम्प्योरिटी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो वो कहाँ पर जाके बैठी है, सब्सटीट्यूशन मतलब किसी एक को हटाया और उसके बदले आई, ठीक है, याद आ रहा है, हाँ। अब अच्छा, इसके अलावा दूसरा क्या होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट में, एक और था इंटरस्टीशियल, है ना, इंटरस्टीशियल, इसकी भी स्पेलिंग कंप्लीट कर लोगे, यानी कि उसने वहाँ पे मौजूद पहले से किसी आयंस को या किसी एटम को नहीं हटाया, उनके बीच में जो छोटी छोटी सी स्पेस क्रिएट थी वो उस स्पेस वाली जगह में गए और ख़ुद को उन्होंने वहाँ पे जाके क्या कर लिया, रखवा लिया। फिर जो सब्स्टिट्यूशनल वाला था इसको अगेन हम लोग दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते थे, ठीक है, एक इस तरीके से करते थे कि हो सकता है सब्स्टिट्यूशन किसी एटम का किया जा रहा है, दैट वॉज वेरी ईजी, और सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट का एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल था, दैट एग्जाम्पल वॉज अलॉय ऑफ विच थिंग, अलॉय ऑफ ब्रास, है ना, अलॉय ऑफ ब्रास इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट।
और एक होता था कि हो सकता है कि आपके पास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वहाँ पे एटम ना हो सकता है उस क्रिस्टल के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलो कौन है, एक आयन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन मौजूद होते हैं, आयन्स, और उन आयन्स में भी हम लोग स्पेशली कौन से वाले आयन्स लेते थे, एलियो वैलेंट आयन। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एलियो वैलेंट आयन्स, यानी कि आप जिस चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, है ना, आप जिस आयन को हटा रहे हो आपको उसके बदले में एक ऐसा दूसरा आयन लाना है जिसकी वैलेंसी हटाए गए आयन के कंपेयर में कैसी है, अलग है, ठीक है, ओके। तो आज हम लोगों को दो डिफेक्ट्स, नॉन स्टोकियोमेट्री और इम्प्यूरिटी, इसको ख़त्म करने के बाद ये एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। पहले तो ये जो वर्ड है स्टोकियोमेट्री, इसको मैं इन शॉर्ट में थोड़ा सा समझा देती हूँ कि आखिर ये किस चीज को हम लोग स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं, फिर आगे इसकी क्लासिफिकेशन और फिर डिटेल में हम लोग मूव इन करेंगे। अच्छा, तो अभी जैसे कि मान के चलते हैं वाटर का जो फॉर्मूला है क्या होता है, H2O, इसका मतलब हाइड्रोजन के आपको दो एटम चाहिए होंगे और ऑक्सीजन का आपको एक एटम चाहिए होगा, तब जाके वहाँ पर वाटर क्या होगा, इसे क्रिएट होगा। अगर मान लेते हैं तुमने ऐसा किया कि हाइड्रोजन को दो करने के बजाय तुमने हाइड्रोजन को कर दिया 1.99 और ऑक्सीजन लेट से वैसे का वैसे रखा, तो तुम्हारे नज़र में तो 1.99 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2, बट रियलिटी में क्या ये चीज़ एग्जैक्टली 2 है, ऑब्वियसली नॉट, नहीं है। चलो 1.99 छोड़ो, तुमने 1.6 भी कर दिया होता ना, तो भी क्या जितने हाइड्रोजन एटम्स चाहिए उस पर्टिकुलर ऑक्सीजन को, क्या यहाँ पे अभी आपको पर्टिकुलरली उतने हाइड्रोजन एटम्स दिख रहे हैं, क्या नहीं दिख रहे हैं। तो इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं नॉन स्टोकियोमेट्री, यानी कि अगर एक कंपाउंड पर्टिकुलर कंपोजिशन में रहता है, उसका कुछ रहता है रेशियो उसके एटम्स का, और लेकिन अगर आप उस रेशियो को बिगाड़ दो, अगर आप उस रेशियो को डिस्टर्ब कर दो, तो बस उसी पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन स्टोकियोमेट्री, ठीक है। तो नॉन स्टोकियोमेट्री क्या है, किसी भी फॉर्मूला का जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन यानी कि 1:1 एटम का, 2:1 एटम का, 1:2 एटम का, जैसा भी यार जो भी कंपोजिशन होता है, अगर आप उस कंपोजिशन को छेड़ देते हो, भले ही आपने डेसिमल में ही क्यों ना छेड़ा हो, वो उस क्या कहलाता है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। जैसे कि CO2, कार्बन एक होते हैं और ऑक्सीजन दो होते हैं, तो अगर तुम मान लेते हैं ऑक्सीजन को कर दोगे कल को 3 CO3, या लेट से कर दिया CO2.2, तो दिस विल बी नोन एज व्हाट, नॉन स्टोकियोमेट्री, ठीक है, ओके। अब हम लोग क्लासिफिकेशन में मूव करते हैं, तो क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट्स को टोटल हम लोग 4 क्लासिफिकेशन किया जाता है इसका, थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन बाकी वाले लोगों से बड़ा है, इसीलिए इसको मैंने आखिरी में रखा था कि पहले भैया बाकी तो पढ़ लो। अच्छा, अभी स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में आप लोगों को जो सबसे पहले पढ़ना होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, और क्योंकि तुमको मैं ऑलरेडी नॉन स्टोकियोमेट्री और इम्प्यूरिटी पढ़ा चुकी हूँ, तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें ये हार्ड जाएगा, ठीक है। पहले नाम बता देते हैं, स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट में जो सबसे पहला होता है उसको हम लोग कहते हैं वैकेंसी। क्या तुमने ये वैकेंसी का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है, पढ़िए देख। ये देखो, जब हमने नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ा था तब हमने वैकेंसी वर्ड पढ़े थे, अनायोनिक वैकेंसी, ये बात अलग है कि वहाँ अनायनिक वैकेंसी कहा था, बट था तो भैया वैकेंसी ही ना। अब अनायनिक वैकेंसी का सिंपली मतलब ये होता है कि अनायंस अपनी जगह से मिस हुए होंगे और कुछ नहीं। अच्छा, दूसरी कैटेगरी में आते हैं, दैट सेकेंड कैटेगरी इज अगेन इंटरस्टिशियल। लो, मतलब इंटरस्टिशियल तो तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, स्पेलिंग पूरी कर लेना, मेरे पास उतनी स्पेस नहीं है। तीसरा और चौथा डिफेक्ट तुम्हारे सिलेबस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, उसमें से एक का नाम है स्कॉटकी डिफेक्ट, SCHOTTKY, स्कॉटकी डिफेक्ट, और एक होता है चौथा, दैट विल बी नोन एज फ्रेंकल डिफेक्ट। हाँ, ये बात बहुत अच्छी है कि दे आर नॉट अगेन फर्दर क्लासिफाइड, ठीक है, तो कम से कम हमें इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि अरे यार इनका और फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ना है क्या। तो ये तुम्हारा पूरा सॉलिड स्टेट में डिफेक्ट्स का फैमिली ट्री डायग्राम था, जिसमें से नॉन स्टोकियोमेट्री और आपका इम्प्यूरिटी, ये दो डिफेक्ट हम लोग कवर कर चुके हैं,
और आज हम लोगों को जो चीज़ पढ़नी है दैट इज स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट. ठीक है, ओके. तो देखते हैं, चलो क्या है ये चीज़. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वैकेंसी डिफेक्ट, तो देखो वैकेंसी का सिंपल सोबर वन वर्ड में एक ही मतलब होता है, वो ये कि समथिंग इज मिसिंग, है ना. वैकेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कहीं आर्टिकल आया कि अभी इस पर्टिकुलर जगह पर इस पर्टिकुलर नौकरी के लिए एक वैकेंसी खाली है. सो सिंपली वैकेंसी मीन्स एम्प्टी स्पेस. ठीक है, अच्छा एम्प्टी स्पेस नहीं लिखना चाहिए, उसको सिंपली लिखना चाहिए मिसिंग. वहाँ से कुछ चीज़ें क्या हैं, गायब हैं, तो बस उसको हम लोग क्या कहेंगे, वैकेंसी कहेंगे. तो मान लेते हैं आपके पास एक क्रिस्टल है, उसके अंदर कुछ एटम्स अरेंज थे. ये मान लो एक एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, ये चौथा एटम. ठीक है, ये इस तरीके से मान लेते हैं हमारे पास कुछ एटम्स का अरेंजमेंट था, ठीक है, उस पर्टिकुलर क्रिस्टल के अंदर. तो अभी फ़िलहाल अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये सब कुछ एकदम परफेक्ट दिख रहा है हमको. वैसे तो हमें ये बात अच्छे से पता है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो के अलावा परफेक्शन और कहीं नहीं होता, है ना. परफेक्शन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो पर होता है. ठीक है, वो भी हाइपोथेटिकल है. अच्छा, अब लेकिन मान लेते हैं मैं काम करती हूँ, तुम लोगों से कहती हूँ कि कुछ एटम्स इस पर्टिकुलर पोजिशन से आप हटा दो. ठीक है, आप कुछ एटम्स इस पर्टिकुलर पोजिशन से हटा दो. अब कौन सी पोजिशन से हटाना है वो तुम्हारी चॉइस है, जहाँ से हटाना है भैया हटाओ, मेरा क्या जा रहा है. ठीक है, तुमने कुछ एटम्स को हटा दिया, तो देखो ये क्या क्रिएट हुआ, ये वैकेंसी क्रिएट हुई. ठीक है, ये क्या क्रिएट हुई, ये वैकेंसी क्रिएट हुई. तो जब भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, नॉट नेसेसरी एटम्स, आयन्स भी हो सकते हैं, है ना. जैसे हमने पढ़ा था अनायोनिक वैकेंसी, अनायोनिक वैकेंसी में कौन छोड़ के जाता था बताओ, अनायन छोड़ के जाता था ना, बराबर. तो वैसे ही, लेकिन यहाँ पे फिलहाल मैंने किसको हटाया है, एटम्स को हटाया. तो ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे वर्ड एटम्स यूज़ करूँ, यहाँ पे मैं एक वर्ड इस्तेमाल कर सकती हूँ, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. जब भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, कुछ स्पेसेस को छोड़ देते हैं या फिर कुछ जगहों पे आपको अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं, तो बस इसी चीज़ को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, आप लोगों का वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं. मतलब वैकेंसी डिफेक्ट इज सो सिंपल कि अगर कुछ चीज़ें आपको गायब दिख रही हैं तो बस उस पर्टिकुलरली डिफेक्ट को आप क्या कहोगे, वैकेंसी डिफेक्ट. देखो डिफेक्ट हम लोगों के लिए कई बार अच्छे होते हैं, अगर अच्छे होते हैं तो हम डिफेक्ट्स को हम लोग खुद क्रिएट करते हैं, राइट. अच्छा, तो ऐसे केस में अब अगर मान लेते हैं तुम्हें वैकेंसी डिफेक्ट को क्रिएट करना है, सो हाउ विल यू क्रिएट. मतलब अगर क्वेश्चन लेट से मैंने तुम लोगों से पूछा कि हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ वैकेंसी डिफेक्ट, सो इन दैट केस द आंसर इज वेरी सिंपल. इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट वैकेंसी डिफेक्ट, जस्ट हील्ड द सब्सटेंस. ठीक है, आप क्या करो, जो भी आपके पास सब्सटेंस है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को आप क्या करो, हीट करो. जैसे ही आप उस सब्सटेंस को क्या करोगे, बोलो हीट करोगे, तो वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, आप लोगों का वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा. खत्म कहानी, सिंपल सी. अच्छा, अब वैकेंसी डिफेक्ट के क्रिएट होने से एक बहुत बड़ा हमको चेंज देखने को मिलता है उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में. देखो कैसा, हमेशा एक नज़र से ये सोचना कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर डेंसिटी इंक्रीज हो रही होगी डिफेक्ट के आने की वजह से, कि उस पर्टिकुलर डिफेक्ट की वजह से सब्सटेंस की डेंसिटी डिक्रीज हो रही होगी. क्योंकि ये क्वेश्चन डिफेक्ट्स वाले क्वेश्चन में बहुत ही कॉमन होता है कि डेंसिटी इंक्रीज हुई कि डेंसिटी डिक्रीज हुई, बहुत कॉमन क्वेश्चन. तो इन दैट केस हम लोगों को ये देखना है क्या इस डिफेक्ट में कुछ पार्टिकल्स मिसिंग है क्या. अब वो पार्टिकल्स हो सकता है आपके एटम्स हो सकता है वो आपके आयन्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, दे कैन बी एनीथिंग, बट क्या वो अपनी स्पेस से कम्प्लीटली गायब है क्या. हाँ गायब तो है, क्या उनके बदले में कोई आया है क्या, नहीं उनके बदले में कोई आया भी नहीं है. तो ऐसे केस में आप ये कह सकते हो कि अगर मान लेते हैं पहले 100 पार्टिकल्स हुआ करते थे, तो अब आप लोगों के पास क्या है, अब आपके पास मान लेते हैं 80 पार्टिकल्स हैं. समझ में आ रही बात, अब आपके पास सिर्फ कितने हैं, 80 पार्टिकल्स है. तो ऐसे केस में अगर आपके पास पार्टिकल्स की क्या हो चुकी है, संख्या कम हो चुकी है, तो ऐसे में बोलो क्या हो जाएगा, आपकी डेंसिटी बोलो अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी.
है ना, आपकी डेंसिटी उस पार्टिकल की, उस सिस्टम की अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। अच्छा, तो ऐसे केस में मुझे एक बात बताइए कि अगर मान लेते हैं वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट हुआ किसी भी क्रिस्टल के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो क्रिएट होने की वजह से बोलो क्या होगा, क्रिएट होने की वजह से ये होगा कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की डेंसिटी में आपको क्या देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा। और इस तरीके से चेंज देखने को मिलेगा कि पहले के कंपेयर में अब इस पर्टिकुलर सब्सटेंस की डेंसिटी बोलो क्या हो गई होगी, डिक्रीज हो गई होगी। डन, क्या ये बात समझ में आई। बस अब आगे मूव करते हैं हम लोग। अभी जो सेकंड के बस इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है, और कुछ है ही नहीं। देखो कितना ईजी ईजी है, आपको जो मेन चीज पढ़नी है वो स्कॉट के एंड फ्रैंकल है, ठीक है। अच्छा, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं, सेकंड पॉइंट में आते हैं। सेकंड पॉइंट आपके पास ये है कि एक होता है आपके पास इंटरस्टीशियल डिफेक्ट, ठीक है। जैसे मैंने अभी नाम लिया वैकेंसी डिफेक्ट, वैसे ही आप लोगों के पास एक दूसरी आत्मा भी है, दैट इज नोन एज व्हाट, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। अब ये जो इंटरस्टीशियल डिफेक्ट है भैया, ये किस बला का नाम है। सबसे पहले तो क्या हमने ये जो वर्ड है इंटरस्टीशियल, क्या ये वर्ड हम लोगों ने सुना है क्या इससे पहले, मैं मतलब कभी सुना है पूरी अभी तक की सॉलिड स्टेट की क्लास में। तो एग्जैक्टली ये वर्ड हमने पढ़ा है, हमने ये सुना है, ठीक है। कहाँ पर हमने सुना है इंटरस्टीशियल, हर जगह। तुम्हें जब ये सिखाए थे हमने इम्प्योरिटी, तब भी इंटरस्टीशियल वर्ड आया था। जब तुम्हें नॉन स्टोक्योमेट्री सिखाए थे तब भी इंटरस्टीशियल वर्ड आया था। मतलब ऑलमोस्ट आपको दोनों टाइप के डिफेक्ट्स में ये इंटरस्टीशियल वाली चीज़ तो आपको मिल ही रही है, ठीक है। आपको ये चीज़ क्या हो रही है, मिल ही रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है। हाँ, तो अब ऐसे केस में मुझे एक बात बताओ, इंटरस्टीशियल का मतलब क्या यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्या? ऑब्वियसली नॉट। यहाँ पे आप लोगों का इंटरस्टीशियल का मतलब यहाँ जो है ना कोई चेंज होगा, यहाँ पे कैसे चेंज हो सकता है। तो इंटरस्टीशियल का मतलब अभी तक जो चलता आया है वही होता है, ठीक है। इंटरस्टीशियल का मतलब अभी तक जो चलता आया है वही होता है, और वो क्या होता है आप लोगों का सिंपल भाषा में, वॉइड्स, ठीक है। सिंपल भाषा में इंटरस्टीशियल का मतलब क्या होता है, वॉइड्स। यानी कि जब एटम्स बेसिकली खुद को यूनिट सेल में अरेंज कर रहे होते हैं, तो जो बेसिकली खाली जगह रह जाती है ना, दैट खाली जगह इज नोन एज आप लोगों का व्हाट, वॉइड्स, है ना। उस खाली जगह को हम लोग क्या कहते हैं, आप वॉइड्स कहते हो, क्या कहते हो उस खाली स्पेस को, वॉइड्स। तो इसमें अगर बात हो रही है इंटरस्टीशियल डिफेक्ट की, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी वॉइड्स में ही कुछ ना कुछ हो रहा होगा ज़रूर, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अब इसमें हो क्या रहा होगा। सिंपल चीज़ है, यहाँ पे भी देखते हैं कैसे। देखो, मान लो कि आपके पास एक क्रिस्टल सिस्टम है, जिस क्रिस्टल सिस्टम में अभी किसी भी प्रकार का कोई भी डिफेक्ट नहीं है, ठीक है। मान के चलते हैं आपके पास क्या है, एक क्रिस्टल सिस्टम है, और आपके पास उस क्रिस्टल सिस्टम में जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है बड़े हंसी खुशी रह रहे हैं, वहाँ पे कोई डिफेक्ट नहीं। अब आपने क्या किया, वहाँ पे एक काम किया कि एक पार्टिकल ले आया, इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी का मतलब क्या होता है, क्या तुमने इससे पहले सुना है, राइट। कल ही हमने सीखा है कि इम्प्योरिटी का मीनिंग आखिर होता क्या है, हमने कल पढ़ लिया है कि अच्छा इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग बेसिकली इम्प्यूरिटी कहते हैं, ये हम लोग जानते हैं, है ना। अच्छा, तो अभी मान लेते हैं मैं किसी भी एक इम्प्योरिटी को लेकर लेट से आ गई, ठीक है। अच्छा, और उस इम्प्योरिटी को लाकर मैंने अभी यहाँ पे रख दिया, ये क्या है तुम मुझे बताओ, ये जगह क्या है, ये खाली जगह है ना उन एटम्स के बीच की। तो अब मुझे बताओ, ये एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि इंटरस्टीशियल साइट है, IS है, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये वॉइड्स है, है ना। आप ये कह सकते हो कि ये वॉइड्स है, राइट। आप इसे वॉइड्स कह सकते हो, या फिर आप इसको इंटरस्टीशियल साइट्स कह सकते हो। तो ये बेसिकली या तो वॉइड्स हैं या तो ये आपकी इंटरस्टीशियल साइट है, बराबर। अच्छा, तो इस पर्टिकुलर वॉइड में या इस पर्टिकुलर साइट में आपका वो एक एक्स्ट्रा बाहर का पार्टिकल आके रह गया है, ठीक है। एक बाहर का पार्टिकल आके यहाँ पे रहने लगा है, समझ में आ रही है। बाहर का पार्टिकल आया और यहाँ आके रहने लगा, सो दिस इज नोन एज इंटरस्टीशियल डिफेक्ट, खत्म। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बाहर का पार्टिकल आए, क्योंकि अगर बाहर का पार्टिकल आएगा तो इसको हम लोग इम्प्योरिटी इंटरस्टीशियल डिफेक्ट कहने लगेंगे, है ना। वैसे भैया डिफेक्ट डिफेक्ट होता है, चाहे इम्प्योरिटी हो या कैसा भी हो। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी तो बन सकती है कि नहीं मैडम, आप ऐसा भी तो एक पॉसिबिलिटी बना सकते हो
कि बाहर का कोई एटम नहीं आ रहा, बाहर का कोई नया एटम नहीं आ रहा, लेकिन जो ओरिजिनल एटम था उस पर्टिकुलर क्रिस्टल के अंदर, वो अपनी जगह पे कहाँ होना चाहिए था, वो अपनी जगह पे डॉट 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 यहाँ होना चाहिए था, वो अपनी इस जगह को छोड़कर यहाँ पे वॉइड के पास रहने चला गया, यहाँ रहने चला गया। मतलब यहाँ का एटम क्या हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया, ये बेसिकली यहाँ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे उसने क्या क्रिएट कर ली, वैकेंसी क्रिएट कर ली। तो अगर कोई बाहर का एटम आता है ना, और वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है, तो भी बेसिकली वो बोलो क्या कहलाएगा आप लोगों का, वो आप लोगों का क्या कहलाएगा, अगेन वो आप लोगों का क्या कहलाएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। लेकिन मान लेते हैं वो बाहर का नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं वो बाहर का नहीं है, और वो अपने अंदर के ही एटम्स खुद जाके क्या हो रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर स्पेस को जाके ऑक्यूपाई कर ले रहे, मतलब इंटरस्टिशियल साइट को, तो भी वो किस में कहलाएगा, डिफेक्ट में काउंट करवाएंगे अपन उसको, ठीक है। तो चाहे बाहर का एटम लेकर आओ, यहाँ आप इंटरनली किसी एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को शिफ्ट करा लो, बेसिकली दोनों ही चीज़ें आप लोगों की क्या कहलाएंगी, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने हमारे स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के दो कैटेगरीज पढ़ ली, एक हो गया वैकेंसी और एक हो गया इंटरस्टिशियल। अच्छा, अब आते हैं हम लोग हमारे दो हीरोज की तरफ, दैट इज स्कॉटकी डिफेक्ट एंड अनादर वन इज फ्रैंकल डिफेक्ट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं तीसरे नंबर पे पाए जाने वाले किसकी, आपकी स्कॉटकी डिफेक्ट की। तो स्कॉटकी डिफेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफेक्ट, इवन फ्रैंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे या तो डायरेक्टली शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, या फिर सिंपल मैं ये कहूँ कि डिस्टिंग्विश भी यहाँ से आ सकता है। अगर मुझको लेट से मान लेते हैं देना होता पेपर में क्वेश्चन, तो मैं हमेशा इसका डिस्टिंग्विश ही देती, शॉर्ट नोट वगैरह नहीं। अच्छा, अब आगे देखो, कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या है ये स्कॉटकी डिफेक्ट, इसको समझने की कोशिश करते हैं। किताबों में क्या लिखा है वो बाद में देखेंगे, है ना, लेकिन स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में कुछ तो खास है। वो खास देखो क्या है, और मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स इसको गलत तरीके से पढ़ लेते हैं। अब वो पढ़ते हैं, मतलब खुद तो नहीं है, पढ़ाया ही जाता है ऑब्वियस है, बट क्या है देखो वो गलत चीज़, उसको पहले समझते हैं। आप चाहे कोई भी डिफेक्ट पढ़ो, मतलब स्टोकियोमेट्री, नॉन स्टोकियोमेट्री, इम्प्योरिटी, हर डिफेक्ट का एक ही कहना है, क्या, न्यूट्रैलिटी मेंटेन होनी चाहिए, ख़त्म। न्यूट्रैलिटी अगर मेंटेन नहीं है तो स्कॉटकी डिफेक्ट, मतलब हो या दुनिया में इम्प्योरिटी हो या नॉन स्टोकियोमेट्री हो, ऐसी बात नहीं होगी। आपको न्यूट्रैलिटी मेंटेन करके चलनी है। आप अगर न्यूट्रैलिटी मेंटेन कर रहे हो तो वो डिफेक्ट अच्छा है, अगर लेट से आप न्यूट्रैलिटी मेंटेन नहीं कर रहे हो तो वो डिफेक्ट फिर ठीक नहीं है। न्यूट्रैलिटी आप लोगों की मेंटेन होनी ही चाहिए, एक बात बस ध्यान रखना, न्यूट्रैलिटी मेंटेन करो। तो अभी जब हम लोग स्कॉटकी डिफेक्ट पढ़ते हैं तो मेजॉरिटी टाइम्स मैंने ऐसा सुना है, ठीक है, लोगों को, वो लोग पता नहीं क्यों ऐसा मानते हैं कि स्कॉटकी डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट है। पहली बात तो स्कॉटकी एंड फ्रैंकल ये दोनों आपको सिर्फ और सिर्फ अनायोनिक सॉलिड्स में मिलेंगे, मतलब आयोनिक सॉलिड्स में मिलेंगे, है ना। वैकेंसी आपको नॉन आयोनिक में भी मिल सकता है, आपको इंटरस्टिशियल भी नॉन आयोनिक में मिल सकता है, बट ये आपको सिर्फ और सिर्फ आयोनिक सॉलिड में ही मिलेगा। यानी कि यहाँ पे बातचीत किसकी हो रही है, यहाँ पे बातचीत हो रही है कैटायंस की, और बातचीत किसकी होगी यहाँ पे, अनायंस की। किसकी होगी, कैटायंस की, और बातचीत होगी यहाँ पे अनायंस की। तो जैसे मान के चलते हैं आपने एक सिस्टम तैयार किया, लाइक Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, द मोस्ट फेमस एग्जांपल है ना, ईजीएस्ट वन, ये आपने एक सिस्टम तैयार किया। इसमें चीज़ें क्या हैं आप लोगों की, बड़े प्यार से कैसी हैं, अरेंज हैं। अच्छा, अब जब ये सिस्टम आप तैयार कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा कि आप सिर्फ कैटायन को हटाओगे, ऐसा नहीं चलेगा कि आप सिर्फ अनायन को हटाओगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं। आप जब स्कॉटकी डिफेक्ट की बात कर रहे हो तो आपको बेसिकली यहाँ से कैटायंस को भी हटाना है और आपको यहाँ से अनायंस को भी हटाना है, दोनों को हटाना है। मतलब यानी कि आप यहाँ से क्या करो, रिमूव करो, कैटायन को भी आप रिमूव करो और यहाँ से आप अनायन को भी रिमूव करो। अब बहुत सारी किताबों में इवन ऐसा भी लिखा रहता है कि रिमूव इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस, तो ऐसा नहीं है। आप इक्वल नंबर कैटायंस एंड अनायंस रिमूव करोगे ऐसा नहीं होता,
आपको रिमूव करना है कैटायंस और एनायंस को इन सच अ वे कि आप लोगों के पास क्या मेंटेन होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होनी चाहिए बोलो, मेंटेन होनी चाहिए, है ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए, बराबर। अब ऐसे में इमेजिन करिए, मानकर मैंने दो Na पॉजिटिव को हटाया तो मुझे Cl नेगेटिव भी कितने हटाने चाहिए, कायदे से दो, क्योंकि दो पॉजिटिव गए तो बदले में दो नेगेटिव जाएंगे, है ना, तो मैंने मान लो ये दो नेगेटिव को हटा दिया, यानी कि यहाँ पे एक वैकेंसी, दो वैकेंसीज नेगेटिव की क्रिएट हुई और दो वैकेंसीज पॉजिटिव की क्रिएट हुई। तो बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पास से प्लस टू गया और साथ ही साथ में आपने माइनस टू भी गया, सच दैट कि ओवरऑल कितना हुआ, ओवरऑल जीरो हुआ। लेकिन अगर मान लेते हैं यही सिस्टम मेरे पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का ना होकर ये सिस्टम मेरे पास कुछ इस तरीके का होता, मान लेते हैं यहाँ पे लिखा होता है Mg2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव लेट्स से और यहाँ पे Cl नेगेटिव, है ना, ये मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड का मेरे पास सिस्टम होता। तो क्या यहाँ पे अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस आप रिमूव करो, तो क्या ये चीज़ सही होगी, आपको इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस से रिमूव करने की ज़रूरत भी है क्या? नहीं। अगर आप एक मैग्नीशियम 2+ को गायब करते हो, कितने, एक मैग्नीशियम 2+, तो उस एक मैग्नीशियम 2+ के ऊपर चार्ज कितना है, प्लस 2 का, तो बेसिकली आप कितना कर रहे हो, प्लस 2 गायब कर रहे हो, है ना। प्लस 2 क्या है, प्लस 2 आई एम टॉकिंग अबाउट चार्ज, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट चार्ज। बट अगर मैं ये पूछूं कि कितने Mg2+ गायब किए, तो आप बोलोगे एक Mg2+ गायब किया, एक Mg का एटम बेसिकली हमने गायब किया, है ना, एक गायब किया। लेकिन उसके बदले में क्या सिर्फ एक Cl नेगेटिव को हटाना ये चीज सही होगी, क्या उसके बदले में सिर्फ एक Cl नेगेटिव को अगर आप हटा दोगे, सिर्फ एक Cl को अगर आप हटाओगे, तो क्या एक Cl को हटाना ये सही होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब एक Cl जाएगा तो सिर्फ -1 गया और ऐसे में ओवरऑल देखो जीरो तो आ ही नहीं रहा है। तो आपको कैटायंस और अनायंस को इक्वल क्वांटिटी में नहीं हटाना है, आपको कैटायंस और अनायंस को सजदाट हटाना है कि उनके हटने से जो ओवरऑल चार्ज है वो कितना होना चाहिए, जीरो। तो इसका मतलब अगर एक Mg जाता है तो अपने साथ प्लस 2 अगर लेके जाता है और एक Cl अगर जाता है तो अपने साथ -1 लेके जाता है, तो इन दैट केस वी हैव टू रिमूव 2 Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे आपको एक Cl नेगेटिव नहीं हटाना है, यहाँ पे आपको एक और Cl नेगेटिव हटाना पड़ेगा ताकि जब वो अपना -1 लेकर जाए तो ओवरऑल न्यूट्रलिटी क्या हो जाए, आपकी जीरो हो जाए। तो अब मुझे बताओ कि इस सिस्टम में एक Mg2+ गया और उसके साथ में कितने Cl नेगेटिव गए, दो, क्या यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस गए, क्या नहीं, यहाँ पे इक्वल नहीं गए। तो कभी भी इस तरीके से स्कॉटकी डिफेक्ट को डिफाइन करना कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस को मिस करवा देना चाहिए उनकी जगह से, ये गलत होता है, ठीक है। कभी भी आपको इक्वल नहीं करना है, आपको सच दैट करना है कि ऐसा करने पर ओवरऑल क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए। कल को अगर यही चीज एल्यूमिनियम क्लोराइड होती तो एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, +3 का होता, तो एक एल्यूमिनियम अगर जाता तो उसके बदले में क्लोरीन कितने जाते, 3 जाते। लेकिन अगर मान लेते कल को यही क्वेश्चन मैग्नीशियम सल्फेट का होता तो एक मैग्नीशियम पे कितने का चार्ज होता है, +2 का, सल्फेट पे कितने का चार्ज होता है, -2 का। तो जब एक मैग्नीशियम जाता तो उसके बदले में सल्फेट भी कितना जाता, एक ही जाता, ठीक है, एक ही जाता। तो आपको ऐसा रटना नहीं है कि इतना जाएगा इतना आएगा, इतना निकालो इसका इतना निकालो, सिंपल है, चार्ज बैलेंस होना चाहिए। जीरो चार्ज करने के लिए आपको कितना निकालना पड़ रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट आप लोगों का स्कॉटकी डिफेक्ट, ठीक है। तो स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, हम कैटायंस और अनायंस को उनकी जगह से निकाल फेंकते हैं, सच दैट निकाल फेंकते हैं कि निकाल फेंकने के बाद इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए। जैसे कि ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, अब यहां पर तुम लोगों को दिख रहा होगा ये रहा एक अनायन और ये रहा आप लोगों का एक कैटायन। जरूरी नहीं है अनायन और कैटायन आजू बाजू वाले निकालो, आप कहीं से भी निकालो, ठीक है, बट सच दैट की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। यहां से जो भी अनायन निकाला हो गया होगा, अगर उसके बाद ये आप पे इस पे प्लस एक्स होगा तो इस पे बोलो कितना होगा, -x होगा, सॉरी इस पे +x होगा तो इस पे बोलो कितना होगा, -x, सच दैट कि आपका दोनों मिला के क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, राइट। अच्छा, अब इफ somebody
सेज दैट कि नहीं मैडम आपको प्लस है कैटायन, आपने नीचे वाले को क्यों लिया? तो देखो कैटायन का साइज छोटा होता है, ठीक है, और अनायन का साइज बड़ा होता है. अच्छा, अभी स्कॉटकी डिफेक्ट को लेकर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स हमको कभी नहीं भूलने. बेसिकली अगर शॉर्ट नोट लिखने को आता है तो हमको शॉर्ट नोट में वही पॉइंट्स लिखने होते हैं. सबसे पहले हमेशा बातचीत की जानी चाहिए डेंसिटी को लेकर. क्या डेंसिटी में कोई चेंज आया? क्या क्या डेंसिटी में कोई वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा क्या? तो सबसे ज़रूरी चीज़, स्कॉटकी डिफेक्ट में हुआ क्या? स्कॉटकी डिफेक्ट में बेसिकली हमने कैटायंस को और अनायंस को उनकी जगह से निकाल फेंक दिया, है ना. तो जिस तरीके से वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी क्या हो गई थी? कम हो गई थी, क्योंकि पार्टिकल्स कम हो गए थे, राइट. पहले अगर 100 पार्टिकल थे तो अब 80 पार्टिकल है. तो सिमिलरली स्कॉटकी डिफेक्ट में भी सब्सटेंस की डेंसिटी बोलो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है. आपके स्कॉटकी डिफेक्ट में भी क्या हो जाएगी? डेंसिटी क्या हो जाएगी बोलो? कम हो जाएगी. अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, उसके अलावा और कोई आपको फर्क देखने को मिलेगा? देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि स्कॉटकी डिफेक्ट आपको उन आयोनिक क्रिस्टल्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है. ऑब्जर्व्ड इन दोस आयोनिक क्रिस्टल्स, आपको उन आयोनिक सॉलिड्स के अंदर आपको देखने को मिलता है जिसमें इन विच आपका कैटायन और आपके अनायन का जो साइज होता है ना. बिकॉज हम अज्यूम क्या करते हैं कि हमारे जो कैटायंस और अनायंस है वो स्पिरिकल शेप में है. तो स्पिरिकल शेप में है मतलब उनका कुछ ना कुछ रेडियस होगा. तो ऐसे पर्टिकुलर आयोनिक कंपाउंड्स में देखने को मिलता है जहाँ पे कैटायन और अनायन का रेडियस जो है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? सेम होता है. वहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट अप्रोक्सीमेटली बोलो क्या होता है? सेम होता है. वहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? स्कॉटकी डिफेक्ट. इसके अलावा स्कॉटकी डिफेक्ट तुम्हें एक और जगह देखने को मिलता है जहाँ पर आप लोग ये कहोगे कि अभी आप एक आगे टॉपिक पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन नंबर. मैंने अभी कोऑर्डिनेशन नंबर सिखाया नहीं है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर मैं सिखाऊंगी. तो जहाँ पे कैटायन और अनायन का हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है, उन जगहों पर भी आपको क्या देखने को मिलता है? स्कॉटकी डिफेक्ट. आई डोंट थिंक कि बोर्ड्स की किताबों में कोऑर्डिनेशन नंबर को लेकर कभी भी कोई बातचीत होती है स्कॉटकी एंड फ्रैंकल में, बट ये तुम्हें पता होना चाहिए कि जहां पर भी आपका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेसिकली आपको वहीं पे स्कॉटकी और क्या देखने को मिलते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलते हैं. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसको देखें तो NaCl, तुम्हारे घर के डिब्बे में बंद NaCl स्कॉटकी डिफेक्ट दिखाता है ना. कैल्शियम क्लोराइड, ये आप लोगों को क्या दिखाता है? स्कॉटकी डिफेक्ट दिखाता है. आपका पोटेशियम क्लोराइड स्कॉटकी डिफेक्ट दिखाता है. सीशियम क्लोराइड आपका क्या दिखाता है? स्कॉटकी डिफेक्ट दिखाता है. अच्छा, अब इनमें अगर मैं इनके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, जो कि बोर्ड्स की किताबों में कोऑर्डिनेशन नंबर उतने डिटेल में नहीं है, बट अगर आप इसको थोड़ा सा JEE या नीट लेवल पे भी अगर पढ़ोगे तो आपको इन सब के कोऑर्डिनेशन नंबर याद होने चाहिए कि NaCl में किसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना कितना होता है. तो ये जो NaCl है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6:6, KCl में होता है 6:6, CaCl में होता है 8:8, कैल्शियम क्लोराइड में होता है 8:4. ये कैसे आ रहा है वो मत सोचो अभी, और ना ही तुम अपने अगर बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो तो फिर तो और भी नहीं सोचना है, ठीक है, वो तो कभी नहीं बोलेंगे. तो जिनमें भी आपको ये हाई कोऑर्डिनेशन नंबर देखने को मिलता है वहां पे आपको डेफिनेटली क्या देखने को मिलेगा? स्कॉटकी डिफेक्ट. अच्छा, आप स्कॉटकी डिफेक्ट में एक बहुत ही, मैं एक प्यारे इंसान का नाम बता रही हूँ, इसको अच्छे से याद रखो. ये तो भैया MCQ में कई बार ऑलरेडी स्टेट लेवल के एग्जाम से पूछा जा चुका है, वो है AGBR. AGBR बेसिकली आप लोगों का वो गद्दार इंसान है जो आयोनिक है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये महाराज जी आपको स्कॉटकी डिफेक्ट भी देते हैं और साथ ही साथ में ये आप लोगों को क्या देते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट भी देते हैं. मतलब इनके इसमें आपको स्कॉटकी भी मिलेगा, फ्रैंकल. पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, MCQs के 4 ठोक ऑप्शन दिए जाते हैं और पूछा जाता है एक ऐसे डिफेक्ट का नाम बताइए जिसमें आप लोगों को दोनों देखने को मिल रहा है. मतलब आपको फ्रैंकल भी देखने को मिल रहा है और स्कॉटकी भी. तो उसका एक ही चीज एग्जाम्पल है और वो हम लोगों को अच्छे से दिमाग में रखना है, दैट इज आपका स्कॉटकी डिफेक्ट. ठीक है, ये दोनों देता है, स्कॉटकी भी देता है, फ्रैंकल भी देता है. फ्रैंकल क्या होता है मैं बताऊंगी, बट स्कॉटकी तो समझ में आया ना कि स्कॉटकी होती क्या है. बस ये सिंपल सा स्कॉटकी डिफेक्ट है. अच्छा, अब स्कॉटकी डिफेक्ट में तुम जैसे अगर मान लेते फ्यूचर में कभी पोस्ट ग्रेजुएशन लेट से करते हो या फिर ग्रेजुएशन भी करते हो, तुम्हारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री होता है, तो तुम ये पढ़ोगे कि एक पर्टिकुलर क्रिस्टल में कितने स्कॉटकी डिफेक्ट हैं, इसको कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला होता है.
है ना, अलग अलग दो चार फॉर्मूलेज होते हैं, बट आपको वो सब नहीं पढ़ना है। आप डिफेक्ट सॉलिड स्टेट में सिर्फ इतना ही पढ़ रहे हो कि आपको सबकी डेफिनेशंस पता है बस, और आपको कुछ नहीं पता है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पता है, डेफिनेशंस पता है, और उसके अलावा आपको कुछ नहीं पता है। बाकी सब आप फ्यूचर में की पढ़ाई के लिए छोड़ दो। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, मान लेते हैं आपके पास अगर कोई एक क्रिस्टल है जिस क्रिस्टल में कोई डिफेक्ट नहीं है, एकदम परफेक्ट इमेजिनरी, वैसे तो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, बट स्टिल मान लो कि आपके पास एकदम परफेक्ट वाला कोई क्रिस्टल है जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, और एक बेचारा आपके पास डिफेक्ट वाला क्रिस्टल है। तो जो आपके पास बिना डिफेक्ट वाला क्रिस्टल होता है ना, बिना डिफेक्ट वाला क्रिस्टल, उसकी कुछ ना कुछ तो डेंसिटी होगी होगी, कम होगी ज़्यादा होगी, वो समझ सोचो कुछ ना कुछ तो डेंसिटी होगी होगी। तो हम उसको लिखते हैं डी थेरोटिकल, मतलब जो हम सोचते हैं कि इतनी डेंसिटी होनी चाहिए। अगेन मैं बता दूं, ये चीज़ भी बोर्ड्स में नहीं होगी। और दूसरा होता है आप लोगों के पास, बोलो क्या, एक डिफेक्ट वाला क्रिस्टल जिसमें ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी कुछ ना कुछ कम होगी ज़्यादा होगी। आप एक्सपेरिमेंट करोगे, आप एक्सपेरिमेंट से डेंसिटी निकालोगे। अगर तुमने कल को ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री लिया तो डेफिनेटली डेंसिटी निकालने वाला आपको काम करवाया जाएगा। तो आपने डेंसिटी अपने हाथों से निकाली और आपने उसको कहा डेंसिटी ऑब्जर्व्ड, यानी कि एक आप थ्योरेटिकली सोच रहे थे, अपने मनी मन ख्याली पुलाव पका रहे थे कि देखते हैं भैया किसके अंदर इतना इतना डेंसिटी होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल। और एक होता है जब एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट किया गया और उससे डेंसिटी निकाली गई। और अगर कोई आपसे ये पूछे कि परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट कितना है, ठीक है, ये मैं एक्स्ट्रा जीके नॉलेज दे रही हूँ बोर्ड्स के लिहाज से, अदरवाइज इस चीज़ का बोर्ड्स के लिहाज से कोई भी दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। कृपया करके एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें फॉर बोर्ड्स पर्पस। तो अगर कोई उनसे पूछेगा परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट कितना है, सिंपल बात, क्या निकालोगे बोलो, मॉड्यूलस किस चीज़ का, मतलब जितने का भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, चेंज देखने को मिल रहा है डेंसिटी में, डिवाइडेड बाय जितनी आइडियली मतलब थियोरेटिकली होनी चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 100। ये आ गया। तो परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट कितना है गिवन क्रिस्टल में, ये कैलकुलेट किया जा सकता है बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। तो ये अभी मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं किसको लेकर, स्कॉटकी को लेकर। अभी स्कॉटकी के साथ ही देखो आपका एक और शहजादा रहता है, उसका दोस्त, वो होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। अब भैया ये फ्रैंकल डिफेक्ट नामक बला क्या है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। जैसे कि मैंने उस वक्त कहा था कि स्कॉटकी डिफेक्ट आपको तब देखने को मिलता है ना, जब आपके कैटायन का और जब आपके अनायन का जो साइज होता है वो अप्रोक्सीमेटली बोलो कैसा होता है, सेम होता है, तब मैंने कहा था कि आपको ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में ऐसा नहीं होता, बल्कि फ्रैंकल डिफेक्ट तुमको उन आयोनिक सॉलिड्स में देखने को मिलेगा, ठीक है, इट इज ऑब्जर्व इन दोज आयोनिक सॉलिड्स जिनमें अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि कैटायन और अनायन के साइज के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो जो कैटायन का साइज होगा वो अनायन के साइज से बोलो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो ही आपको फ्रैंकल दिखेगा। अगर वो अप्रोक्सीमेटली सेम है तो उन आयोनिक सॉलिड्स में स्कॉटकी हो जाता है, अदरवाइज कम है तो फिर आपका फ्रैंकल होगा। अब जैसे कि देखो इस पर्टिकुलर साइट पर है ना, इस पर्टिकुलर साइट पर क्या होना चाहिए था आप लोगों का, डॉट 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 एक ब्लू एटम होना चाहिए था, बट इस पर्टिकुलर साइट से वो ब्लू एटम क्या है, गायब है, वैकेंसी है। यहाँ पे कहाँ गया देखो वो ब्लू एटम, ढूंढो जरा कहाँ गया। तो अगर तुम ढूंढोगे तो तुम्हें मिलेगा, देखो ये ब्लू एटम यहाँ चला गया, ये यहाँ यहाँ, अरे बाप रे। अच्छा देखने से लग रहा है कि ये उनके ऊपर जाके बैठ गया है, बट रियलिटी में उनके ऊपर जाके नहीं बैठा है, ये जो छोटी सी स्पेस क्रिएट हुई होगी ना, इस स्पेस में जाकर बैठ गया है, वो वॉइड्स में जाके बैठ गया है, वो कहाँ पे जाके बैठ गया है, वॉइड्स में। तो जिस तरीके से स्कॉटकी डिफेक्ट एक तरीके का कौन सा डिफेक्ट था, ये एक तरीके का कौन सा डिफेक्ट था, टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट है ना, ये भी तो एक टाइप का आपका कैंसर, कौन सा डिफेक्ट था, वैकेंसी, क्योंकि इसमें आपके कैटायन और अनायन अपनी अपनी जगह छोड़ के भाग गए थे हमेशा के लिए। लेकिन फ्रैंकल में कैटायन और अनायन अपनी जगह छोड़ के हमेशा के लिए नहीं भागते हैं, ये लोग सिर्फ जाके बोलो क्या होते हैं आप लोगों की वॉइड्स में जाके घुस जाते हैं। अच्छा वॉइड्स में कोई और नहीं घुसता है, वॉइड्स में आप लोगों के कौन घुसते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कौन घुसते हैं, कैटायंस घुसते हैं, अनायंस नहीं घुस सकते। वॉइड्स का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, जो कि पहले से ही बहुत कम होती है, बहुत छोटी होती है,
और अनायंस का साइज बहुत बड़ा होता है, तो वो लोग तो वैसे भी नहीं घुस सकते, राइट? वो तो वैसे भी नहीं घुस सकते. तो इनडायरेक्टली आप लोगों के फ्रैंकल डिफेक्ट में आप लोगों को जो ये कैटायन घुसते हुए दिख रहा है, ये बेसिकली कैटायन आपको कहाँ घुसते हुए दिखता है? ये वॉइड्स में घुसते हुए दिखता है. कहाँ पे घुसते हुए दिखता है? ये वॉइड्स में घुसते हुए दिखता है. तो ये भी एक तरीके का कौन सा डिफेक्ट है? ये भी एक तरीके का इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ही है. जैसे स्कॉट की डिफेक्ट किस टाइप का डिफेक्ट था? वैकेंसी. वैसे ही फ्रैंकल आप लोगों के कौन से टाइप का डिफेक्ट है? ये आप लोगों के कौन से टाइप का डिफेक्ट है? ये आप लोगों के इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की कैटेगरी में आता है. ठीक है, ये कौन सी कैटेगरी में आता है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की कैटेगरी में आता है. अच्छा, अब ये जो अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, यानी कि मैं कहूँ फ्रैंकल डिफेक्ट, जब ये फ्रैंकल डिफेक्ट हो जाता है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट के होने की वजह से क्या डेंसिटी में कोई चेंज आता है क्या? तो देखो, डेंसिटी तब चेंज होती है जब पार्टिकल अपने सिस्टम को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाए, है ना? मतलब वो उस पर्टिकुलर सिस्टम में है ही नहीं, वो छोड़ के जा चुका है, बराबर, वो छोड़ के हमेशा के लिए जा चुका है. लेकिन आपके फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या आपका पार्टिकल हमेशा हमेशा के लिए, बताओ, छोड़ के जा चुका है क्या? नहीं. उसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, बोलो, क्या क्रिएट की? वैकेंसी क्रिएट की. और जहां पहले से वैकेंसी थी, उस जगह को जाके उसने क्या कर लिया? ऑक्यूपाई कर लिया. मतलब वो एक तरफ वैकेंसी क्रिएट कर रहा है और दूसरी तरफ वो दूसरी वैकेंसी को वो ऑक्यूपाई कर रहा है, है ना? ये इसी तरीके का है कि तुमने एक कुर्सी छोड़ी और दूसरी कुर्सी जो खाली थी उस कुर्सी में जाके तुम बैठ गए. तो एक जिस जगह पे तुम जाके बैठे उसकी वजह से मैं ये कहूंगी कि हाँ भैया, ये तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट टाइप है. लेकिन जिस जगह को तुमने छोड़ा उस जगह पे क्या क्रिएट हो गई? वैकेंसी क्रिएट हो गई. देखो, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई. तो जो फ्रैंकल डिफेक्ट है वो एक तरीके का इंटरस्टिशियल और प्लस कौन सा डिफेक्ट है? वैकेंसी डिफेक्ट का कॉम्बिनेशन है. लेकिन क्या इसके होने से डेंसिटी में कोई चेंज आता है क्या? नहीं. इसके होने से जो उस पर्टिकुलर सिस्टम की डेंसिटी है वो आपकी कैसी रहती है? सेम रहती है. वो इसीलिए सेम रहती है क्योंकि आपका पार्टिकल सिस्टम को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर नहीं जा रहा है, है ना? आपका पार्टिकल सिस्टम को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए नहीं जा रहा है, वो सिस्टम के अंदर ही बैठा है भैया. ठीक है, बस फर्क इतना है, उसने अपनी क्या कर ली है? जगह चेंज कर ली है. इसलिए डेंसिटी में आप लोगों को कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता. अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? कौन कौन वो महान लोग हैं जो आप लोगों के डेंसिटी, मतलब बेसिकली फ्रैंकल या फिर अलग टाइप का डिफेक्ट देते हैं? तो देखो, AGCL जो है, या जो AGI है, ये आपके फ्रैंकल डिफेक्ट देते हैं. AGBR भी देता है, लेकिन AGBR नामक प्राणी, ये आप लोगों का अभी अभी मैंने ऊपर बताया था, ये फ्रैंकल भी दिखाता है और ये आप लोगों का क्या दिखाता है? आप लोगों का स्कॉटकी भी दिखाता है. अच्छा, अब इसमें आप लोगों के पास आता है जिंक सल्फाइड. जिंक सल्फाइड, ये भी आप लोगों को फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलता है. तो ये कुछ पॉइंट्स थे किसको लेकर? हम लोगों के स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट को लेकर. ठीक है, कि स्कॉटकी डिफेक्ट में ये होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में ये होता है, और स्कॉटकी इस तरीके से क्रिएट होता है, फ्रैंकल इस तरीके से क्रिएट होता है. ये आपको पता होना ही चाहिए, पेपर में सीधा सीधा पूछा जाता है. इवन जो हमने अभी अभी पढ़ा, दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट, इस फ्रैंकल डिफेक्ट को एक और नाम से, अरे भगवान, तस्लीमा मैं क्लास ले रही हूँ, मैं बाद में कॉल करूंगी. ठीक है, तो इस तरीके का जो हमारा डिफेक्ट होता है, इस डिफेक्ट में क्या कह रही थी मैं, ठीक है, इसमें हम लोग, आप लोगों का ये जो फ्रैंकल डिफेक्ट हमने अभी अभी पढ़ा, इस फ्रैंकल डिफेक्ट को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज डिसलोकेशन इफेक्ट. ठीक है, इसका एक और नाम होता है डिसलोकेशन. जैसे बॉडी में नहीं होता है, हड्डी खिसक गई, यानी कि अपनी जगह पे जहाँ थी वहाँ पे अब नहीं है, है ना? कई बार होता है कूना फांदी करते वक्त हमारी हड्डी अपनी पर्टिकुलर जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह खिसक के पहुँच जाती है, है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता है? बस डिसलोकेट हो गई बोन, हम कहते हैं, राइट? बस ये वही है कि बोन क्या हो गई आप लोगों की? डिसलोकेट हो गई. तो सिमिलरली इस फ्रैंकल डिफेक्ट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट नेम इज आप लोगों का डिसलोकेशन इफेक्ट. तो मेरे हिसाब से स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, ये चीज़ तुम लोगों को क्लियर है.
ठीक है, इसमें गड़बड़ी मत करना। डेंसिटी के रिस्पेक्ट में तो भैया बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं करना, और चाहे डिफेक्ट कोई से भी प्रकार का हो, आपको हमेशा क्या होगा, न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी। हाँ, एक पॉइंट और जो मैं यहाँ बताना भूल गई हूँ, बट हाँ ऑब्वियस है कि बोर्ड्स में ये नहीं रहेगा, सिर्फ सुन लो कि जिन आयोनिक कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है, जैसे मैंने कहा था कि स्कॉटकी में हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जो लो होते हैं वो लोग बेसिकली आपका फ्रैंकल स्कॉटकी डिफेक्ट शो करते हैं, तो फ्रैंकल डिफेक्ट वो लोग शो करते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो कैसा रहता है, लो होता है। ठीक है, अच्छा ये हमको बात समझ में आई, बस ख़त्म। इतने पे इस चीज़ को फिलहाल हम ओवर करते हैं, और इसके आगे अब हम लोगों का डिफेक्ट्स वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग जो हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट वुड बी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, यानी कि हम लोग मूव करेंगे खुद को बैंड थ्योरी की तरफ। हमारे सिलेबस में बैंड थ्योरी उतने डिटेल में नहीं है, बट जितने भी डिटेल में है उतना तो हमको पढ़ना ही है। अच्छा, अब इसमें मैं कुछ और बताने वाली थी क्या? नहीं, बस इतना ही। ठीक है, तो फिर अभी इस चीज़ को रोकते हैं यहाँ पे।